हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने टॉपिक लेके आया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टाइम है बहुत ही नॉलेजेबल टाइम है। आज के ज़माने में हर कोई एक अलग ही नॉलेज लेकर चल रहा है, तो इसी बीच मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एक ऐसा नॉलेज दिया जाए जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा तो होगा पर कभी मतलब कि जानने की कोशिश शायद ही की होगी। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि आरबीआई के पास मशीन तो है पर उसके बावजूद भी वो नोट नहीं छाप पाती है ना। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ आए। तो आप लोगों ने अक्सर वस्तु विनिमय प्रणाली सुना होगा, इंग्लिश में इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स कि कोई भी अगर आपको सामान लेना होता था तो आप क्या करते थे कि एक चीज़ अपने घर से एक सामान लेके जाते थे और उस सामान के बदले आपको जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, आपको जो सामान की ज़रूरत है, आप वो सामान वहाँ से ले आते थे। देखिए, मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो व्यक्ति हैं, इनका कोई भी नाम ले लीजिए आप। एक का नाम रख लेते हैं राम एंड नेक्स्ट वन इज़ श्याम। अगला वाला जो है वो श्याम है एंड ये वाला जो है राम है। अब इनके बीच क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये दोनों राम चाहता है कि मैं कोई चीज़ खरीदूं, पर उस खरीदने के लिए उसको क्या करना होता था उस टाइम पे, प्राचीन टाइम में इतिहास में क्या होता था कि अगर इसे कोई चीज़ खरीदना होता था तो इसे वो चीज़ खरीदने के लिए अपना कुछ सामान उसे देना पड़ता था। तो सामान के बदले सामान लेते थे तो यही चीज़ क्या कहलाती थी, वस्तु का विनिमय। मतलब कि वस्तु का आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे को दो और जो आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ आप ले लो, ऐसा होता था। बट ये क्या होता था कि बहुत ही लिमिट में रही है चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो थी वो बहुत ही छोटी जगहों के लिए थी कि आपको बहुत ही कम चीज़ें चाहिए भाई तो आप ये दे दो वो ले लो। बट अगर आपको चाहिए कि आपको मान लीजिए 1 किलो शक्कर चाहिए तो ठीक है, बट अगर आपको 50 किलो शक्कर चाहिए तो आप 50 किलो के बराबर का मूल्य ले वाली वस्तु को ही उसे देंगे, तब तो वो आपको 50 किलो शक्कर देगा कि एक किलो शक्कर वाली का 1 किलो शक्कर खरीदने के लिए जो आपने लिया वही चीज़ आप 50 किलो शक्कर खरीदने के लिए भी लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही चीज़ था इसमें। तो ये क्या था कि कुछ टाइम तक चली, फिर ये मतलब कि धीरे धीरे बंद होने लगी क्योंकि बड़ी क्या होता था कि छोटे छोटे गांव फिर डेवलप होते गए धीरे धीरे, और वहां पे क्या होता था कि अगर गांव बड़े डेवलप हो गए तो वहां के लोग भी डेवलप होंगे, लोग डेवलप होंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, है ना। तो ऐसा वहाँ पर होता गया। ये देखिए फ्रेंड्स, इस इमेज में आपको शो हो रहा होगा कि किस तरह से ये दुकानदार मतलब कि सामान लेते जा रहा है और मतलब जो जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं उनकी वो देता जा रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे सामान जो है इसके पास इकट्ठा हो गए। अब ये जो सामान इकट्ठा होते थे तो इससे व्यापारी को क्या करना होता था कि अब एक गोदाम ही बनाना पड़ता था, तो गोदाम बनाना पड़ता था, इतनी सारी चीज़ें रहती थी तो उसको कहाँ स्टोर किया जाए, ये मतलब कि परेशानी थी उन लोगों के लिए अगर व्यापार बढ़ रहा था। तो इस समस्या को देखते हुए, क्योंकि जब भी समस्या होगी उसके बाद ही उसका समाधान मतलब कि सोच विचार होता है उस पर, तो इस पर भी सोच विचार हुआ। इसमें फिर ये एक आइडिया लाया गया कि इसमें क्या किया गया, इसमें बोला इन लोगों ने ध्यान दिया कि इन्होंने कहा कि जो चीज़ आप 1 किलो वाली शक्कर के लिए ला रहे हैं तो छोटी चीज़ है तो ठीक है, बट 50 किलो शक्कर के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो वो क्या करते थे कि जो 50 किलो शक्कर को लेने के एवज में आपको जो चीज़ देना होता था तो वो बहुत भारी चीज़ थी, तो उस भारी चीज़ के बदले उन्होंने क्या किया कि एक पतला सा टोकन चलाया, टोकन सिस्टम इसे बोलते हैं। तो वो जो टोकन उन लोग देते थे तो वो टोकन का जो वैल्यू होता था वो उस चीज़ के बराबर होता था जो 50 किलो शक्कर को आपको ख़रीदने के लिए देना होता था। तो इससे क्या हुआ कि व्यापारी जो था उससे लेने उसके कस्टमर आते थे, उसे चाहिए 50 किलो शक्कर तो वो बोलता था कि ये आप टोकन रख लीजिए और इस टोकन का मूल्य जो होगा आपकी 50 किलो की शक्कर के बराबर होगा।
तो आज जो हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो मुद्राओं का जो प्रचलन है वो इसी को बेस बना के लाया गया है, ठीक है। तो अभी आप देखते होंगे कि आपकी नोट में क्या लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा लिखा रहता है, आपने अक्सर करके देखा होगा। अगर ये चीज़ ना हो और वहाँ पे जो गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं अगर ये ना हो तो वो रुपया का जो नोट है वो एक महज कागज़ होगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं होगा। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मशीन होने के बावजूद भी क्यों RBI या सरकार मतलब कि पैसे पूरे छाप के हमारे देश की गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती, तो इसी कॉन्सेप्ट को चलिए हम सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी कस्टमर होता था तो उसे कोई भी चीज़ ख़रीदना होता था तो वो टोकन देता था, और वो टोकन का जो वैल्यू होता था उस वैल्यू के बराबर का सामान उसके पास रखा हुआ होना था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे RBI क्या करता है कि वो टोकन जो वो जनरेट कर रहा था कस्टमर, वही टोकन के बदले यहाँ पे क्या होता है कि RBI जो होती है वो नोट जारी करती है। अब वो टोकन के बराबर का मूल्य वहाँ पे होना था, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये नोट जो जनरेट कर रही है या फिर जो भी छाप रही है सरकार RBI जो छाप रही है उस नोट के बराबर का मूल्य जो होगा उसके खजाने में रखा हुआ होना जरूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता है नहीं होता है, इसके क्या मतलब कि परिणाम हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि RBI जितने नोट छापेगी उस उतने नोट के बराबर उसके पास खजाना अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो खजाना होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, विदेशी भंडार, मतलब कि फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, इसी को बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज। अब ये क्या होता है कि जितना ज़्यादा होगा, जैसे कि आपको मैं एक बहुत ही इजी वे में समझाना चाहता हूँ, अगर आपके घर में आपके पापा के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, सेविंग अगर जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतना ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। अगर आपके पास सेविंग ही नहीं है तो आप क्या खरीद पाओगे, इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा सेविंग है वो ज़्यादा इकोनॉमी में मतलब कि स्ट्रांग है, जिसके पास सेविंग नहीं है वो कम स्ट्रांग है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो आपको समझ ही आ ही गया होगा कि जितने ज़्यादा नोट मार्केट में अवेलेबल है उतना खजाना उस मतलब कि नोटों के मूल्य के बराबर का खजाना RBI के पास रिजर्व रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपने देश को किसी भी लोन की ज़रूरत है, कोई भी मतलब कि कंस्ट्रक्शन करवाना है या भी मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर चाहिए या जो भी चीज़ उसको चाहिए रक्षा क्षेत्र में चाहिए, तो उसको अगर मान लो कि पैसों की ज़रूरत होती है और अगर वो लेता है किसी भी कंट्री से या IMF से लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, तो ये जो लोन मिलता है ये किस बेस पे मिलता है कि देखा जाता है कि किस कंट्री का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि जिसके पास जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा भरोसा किया जाएगा, अब भरोसा किया जाएगा तो उतना ज़्यादा लोन भी मिलेगा। तो ये माना जाता है कि विदेशी मुद्रा भंडार जिसके पास अच्छा होगा उस देश की अर्थव्यवस्था जो है उतनी ही अच्छी होगी। 1991 में क्या हुआ था कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है बहुत ही कम हो गया था, जिससे हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि RBI जो है वो ये नोट मतलब कि किस बेस पे छापता है, तो RBI एक्ट 1934 जो है उसके बेस पे RBI जो होता है इसको पावर दिया गया है कि ये नोट मतलब कि नोटों की छपाई कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है, मैं उनके नाम आपको बता दूँ, पहला नासिक है, सेकेंड देवास है, थर्ड है सालबोनी और फोर्थ है मैसूर। तो इसमें जो नासिक एंड देवास है ये दोनों की कंट्रोलिंग भारत सरकार के पास है, एंड जो सालबनी और मैसूर है, सालबनी आपको बंगाल में मिलेगा, मैसूर कर्नाटक में मिलेगा, तो इसकी जो कंट्रोलिंग है वो RBI करता है। उसी तरीके से अगर अपन सिक्कों की बात करें तो सिक्के जो छापे जाते हैं वो कॉइनेज एक्ट 1906 के मतलब बेस पे छापे जाते हैं। हमारे देश में जैसे नोट छापने के जो प्लेसेस हैं उसी तरह से कॉइन भी छापते हैं मतलब कि छापे जाते हैं, तो वो उनके नाम भी आपको मैं बताना चाहूँगा। इसमें 4 जगह हैं जिसमें पहली जगह जो है अलीपुर है जो कोलकाता में आपको मिलेगी, नेक्स्ट क्या है चेरलापल्ली जो हैदराबाद में आपको मिलेगी, थर्ड वन इज़ सैफाबाद है जो हैदराबाद के पास है, एंड लास्ट वन इज़ नोएडा जो UP में आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि 1000 रुपये तक का सिक्का जो है वो भारत सरकार छाप सकती है। तो ये कॉइनेज एक्ट का जो काम है पूरा का पूरा भारत सरकार संभालती है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या है विदेशी मुद्रा भंडार, क्यों कितने हमारे देश में नोट छपते हैं, कि मतलब किस बेस पे छापे जाते हैं और क्या क्या मतलब कि इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। आरबीआई क्या करती है, साल के वित्तीय वर्ष के अंत में सभी जो संस्थाएं हैं उनकी मदद से पूरे देश भर में पता करती है कि कितने देश में पैसे अवेलेबल हैं, कितने बर्बाद हुए हैं, कितने नोटों को फाड़ दिया गया है, मतलब ये सारा डाटा कलेक्ट करती है और उसके हिसाब से फिर नए नोट छापती है। अभी पूरे वर्ल्ड में क्या होता है कि सारे देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है उसकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो अभी 2021 में जो करेंट में जो रैंकिंग आई है, रिपोर्ट आई है, उसमें क्या हुआ है कि इंडिया ने रशिया को पछाड़ दिया है और वो फोर्थ रैंक में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक अच्छी इकोनॉमी में अभी है। अगर उसे चाहिए किसी भी देश से कोई लोन चाहिए, मतलब उसका सेविंग अच्छा है, आप ये समझ लीजिए, है ना। तो इसमें आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए भारत की जो रैंकिंग है, या मतलब भारत के पास जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज है, एक्सचेंज रिजर्व है, वो 580.3 बिलियन ही, इसको समझ लीजिए। आप तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आरबीआई आखिरकार अपने खजाने में ऐसा क्या रखती है जो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मतलब कि वैल्यू को बढ़ाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होते हैं कि कुछ SDR रखे हुए होते हैं, कई देश की करेंसी हो, यूरो हो गया, मैक्सिमम जो करेंसी रखी हुई होती है वो क्या होती है, डॉलर होती है, आफ्टर दैट मतलब कि यूरो रखा जाता है, है ना, और उसके बाद गोल्ड भी होता है, गोल्ड के बाद SDR होते हैं। मतलब कि SDR क्या होता है कि IMF जो होता है वो, ये SDR IMF के थ्रू होता है, ये क्या होता है 1969 से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि भारत जो होता है और भारत जैसे जो अन्य देश होते हैं वो अपना कुछ अमाउंट वहाँ पे मतलब कि जमा किए हुए होते हैं, और जैसे कभी कोई चीज़ आप फॉरेन से कोई ले रहे हैं, जैसे आपको अमेरिका से कुछ लेना है, तो आपका जो वहाँ पे रिजर्व रखा हुआ है IMF से, उसमें आप वो, आप जैसे बाहर से लेंगे कोई चीज़ तो आप डॉलर में ही लेंगे, तो वो क्या होता है कि आप IMF के थ्रू वहाँ पे डॉलर को पेड कर सकते हैं, मतलब इस तरह का यहाँ पे काम होता है। तो जितना ज़्यादा आपका विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी होगी। आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि जिसके पास जितना अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार होगा वो उतने ही बेस पे, उसी बेस पे नोट छाप सकती है। तो ये पूरा जो खेल होता है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि जैसे इकोनॉमी में आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि मतलब कि पैसा इतना क्यों नहीं आ जाता कि सबके पास करोड़ों रुपए आ जाए। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास, मेरे पास, सबके पास करोड़ों रुपये आ गए, तो हर कोई चाहेगा कि मैं फ्रिज ले लूँ, कूलर ले लूँ, मतलब कि तरह तरह के आपके मतलब कि नए नए ड्रीम्स आएंगे। अब सब लोग क्या होंगे, सबकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो सब लोग को वही चीज़ चाहिए। पर इसमें क्या होगा कि उस चीज़ का, जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वही वही चीज़ लेने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा कि महंगाई बढ़ती है फ्रेंड्स, है ना, और महंगाई बढ़ेगी तो आप जो 1 रुपए की चीज़ लेते थे अब वो आपको 100 रुपए की मिलेगी, तो बात वही हो जाती है। इसलिए कभी भी आप विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसी बेस पे ही नोट छाप सकते हैं। अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा मतलब कि नोट छाप लेंगे तो आपका जो मार्केट की जो वैल्यू होती है आपके रुपए की, आपकी करेंसी की, वो गिर जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एक्स्ट्रा नोट छापे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जिम्बाब्वे जो साउथ अफ्रीका में है, वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका में है, इन लोगों ने ऐसे ही किया था, तो इनकी जो करेंसी वैल्यू थी वो पूरी तरह से डाउन हो गई थी, है ना। तो यही चीज़ होता है कि आप मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर सकते अगर आपको अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखना है तो, है ना। अभी क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज़ होती है वो डे बाय डे मतलब कि चेंज होते रहती है। तो आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई का भी खेल समझ आ गया होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। डिमांड अगर आपकी ज़्यादा है और आपकी सप्लाई कम है, मतलब कि लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि 100 लोग हैं, वो 100 के 100 को मतलब कि टीवी चाहिए, पर मार्केट में क्या है कि 20 ही टीवी मतलब कि रखी हुई है, तो 20 टीवी जो है और 100 लोग चाहिए, 100 लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं, तो 100 के 100 जो चाहे इसे, वो 100 बोल रहा है तो मैं इसे 200 में खरीदूँ, तो इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने से क्या होगा कि आप 100 रुपये की चीज़ जो है उसको 200 में खरीद रहे हो, तो इससे क्या हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR SLR, मतलब इन सब चीज़ों का वो यूज़ करता है। तो इसी के तर्ज पे क्या करता है, वो महंगाई को कंट्रोल करता है, कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। तो यही सब बेसिक फंडे होते हैं RBI के, जो वो मतलब कि RBI एक्ट जो होता है 1934 जो होता है उसका यूज़ करके ये मतलब कि सारी कंट्रोलिंग करता है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा सेशन समझ आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही फैक्ट आपके सामने लाते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।